नमस्कार, E24 के YouTube और Facebook पेज पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ऐसा लगता है जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री को किसी की नजर लग गई है, या यूं कह लीजिए कि साल 2020 बॉलीवुड पर एक ग्रहण सा लगा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक के बाद एक सितारे तो हम सबको छोड़कर जा ही रहे हैं, इसके अलावा तमाम तरह के बवाल भी सामने आ रहे हैं। एक के बाद एक नए विवाद शुरू हो रहे हैं जो अब से पहले इतने बड़े लेवल पर कभी नहीं हुए, और ये विवाद थमने के बजाय दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले के बाद नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म का मुद्दा उठा, तमाम बवाल हुआ, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ट्रोल किया गया, लिहाजा उन सभी सितारों ने अपने अपने इंस्टाग्राम को लिमिटेड कर दिया, वहां पर कमेंट सेक्शन को लिमिटेड कर दिया। और अब म्यूजिक इंडस्ट्री में भी म्यूजिक माफिया ये टर्म यूज किया जा रहा है। सोनू निगम ने इसकी शुरुआत की है। सोनू निगम ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में माफिया है, बल्कि म्यूजिक इंडस्ट्री भी माफियाओं से घिरी हुई है। सोनू निगम ने इस वीडियो में किसी का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन सीधे सीधे ये इशारा किया था कि एक ऐसे एक्टर है जिन पर आजकल बहुत उंगलियां उठ रही हैं, यानी कि सलमान खान की तरफ उनका इशारा था, लेकिन उन्होंने किसी म्यूजिक कंपनी का नाम नहीं लिया था। दूसरे वीडियो में बाकायदा सोनू निगम ने भूषण कुमार का नाम ले डाला और कहा कि तुम मुझे टारगेट कर रहे हो, मुझसे पंगा मत लेना वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो सकता है। यहां पर सोनू निगम ने भूषण कुमार का एक वीडियो वायरल करने की भी उनको धमकी दी थी। अब इस पूरे बवाल पर सिंगर सोना महापात्रा भी कूद गई है। सोना महापात्रा ने ट्विटर पर एक के बाद एक ट्वीट किए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने सोनू निगम को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा, क्या किसी ने ध्यान दिया, सोनू निगम किसी वीडियो की बात कर रहे हैं। इस वीडियो में उनके पास एक मीटू का केस है जिसका उनके पास सबूत है, जो उनके पास वीडियो है, यही तो उन्होंने आरोप लगाए हैं ना भूषण कुमार पर। तो इस तरीके से सोना महापात्रा ने लिखा और कहा कि इस तरफ क्यों कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ये वही सोनू निगम है जो मीटू के आरोपी अनु मलिक को सपोर्ट करते हैं। यहां तक बात नहीं रुकी, सोना महापात्रा ने इसके बाद म्यूजिक इंडस्ट्री में माफिया की बात को कबूल किया और बताया कि नए टैलेंट जो आते हैं उनका गला घोट दिया जाता है, उनको मौका नहीं मिलता है। यहां तक कि उन्होंने जेंडर बेस्ड भी जो पार्शियलिटी की जाती है उसकी तरफ भी सभी का ध्यान खींचा। सोना महापात्रा ने बताया 100 गानों में से महज 8 गाने ऐसे होंगे जो वुमेन को मिलते हैं, जो महिलाओं को मिलते हैं, जो लेडी सिंगर्स को मिलते हैं। इसके अलावा कोई भी एक गाना होता है उसमें महज 4 लाइनें होती हैं जो फीमेल सिंगर्स को दी जाती हैं, पूरा गाना मेल वॉइस पर ही गूंजता है। ये इस तरह के तमाम आरोप सोना महापात्रा ने लगाए हैं। और देखा जाए तो ये तमाम पूरा बवाल कि म्यूजिक इंडस्ट्री में भी माफिया है, ये कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। और लिहाजा अब फैंस के निशाने पर सोना महापात्रा भी हैं, सोनू निगम भी हैं, जो सोनू निगम को सपोर्ट कर रहे हैं वो भी हैं, जो सोनू निगम के फेवर में है वो भी है। देखा जाए तो पूरा बवाल अब ये बढ़ता जा रहा है, लिहाजा एक चिंता का माहौल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री म्यूजिक इंडस्ट्री को बेहतर बनाने की कोशिश में कहीं और ना ये लोग पिछड़ते जा रहे हों, अब इस चीज़ की चिंता सबको सताने लगी है। इसका जिक्र भी सोना महापात्रा ने किया और कहा कि क्या हम ऐसे एक बेहतर इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं। बहरहाल बवाल बढ़ता जा रहा है। इसी बवाल के बीच इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, लेकिन लगातार जितनी भी अपडेट्स होंगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। और हाँ, बॉलीवुड की बाकी खबरों के लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए।